Hey beautiful people, good morning and welcome to JKSSB online tutorial. मैं हूँ सतीश और start करते हैं हमारा आज का current affair lecture. Lecture start करने से पहले आपको कुछ चीजें बता देना चाहता हूँ. Last एक दो दिन से lectures जो हैं वो upload नहीं हो रहे हैं. उसमें actually थोड़ा problem चल रहा है. कल से आप लोगों को पूरी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी रिगार्डिंग जेकेपी कांस्टेबल के लेक्चर्स प्लस जेएन के हाई को जूनियर असिस्टेंट के लेक्चर्स के रिगार्डिंग. क्लियर है? तो इसीलिए बस आज शाम को सारी स्ट्रेटेजी फॉर्म करके कल एक प्रॉपर वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा. ऑलराइट, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा आज का करंट लेक्चर. आज के लेक्चर का हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताइए फॉर विच डिस्कवरी वर विक्टर एम्ब्रोज एंड गैरी रूपकुन अवार्डेड द 2024 नोबेल प्राइज इन मेडिसिन. ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रूपकुन की किस डिस्कवरी को लेके इनको 2024 में नोबेल प्राइज जो है वो मेडिसिन में दिया गया है. इसका जो आंसर है दैट इज डिस्कवरी ऑफ माई RNA. ठीक है, ये जो माई लिखा हुआ है MI का मतलब यहाँ पे है माइक्रो से. ठीक है, माइक्रो RNA की डिस्कवरी इन्होंने करी है. ये बेसिकली कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं RNA के और वो उनका कुछ एक्सप्रेशंस रहता है प्रॉपर. ये मेडिसिन का एक प्रॉपर यू नो एनालिसिस है. तो इस पर्टिकुलर डिस्कवरी के लिए इन दोनों को नोबेल प्राइज मिला है इन मेडिसिन 2024. क्लियर है? चलिए उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च द नियुत मोइना. ठीक है, नियुत मोइना स्कीम फॉर गर्ल स्टूडेंट्स. ठीक है, नियुत मोइना स्कीम जो है वो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है गर्ल स्टूडेंट के लिए. तो इसका जो आंसर है दैट इज असम. असम की स्टेट गवर्नमेंट ने ये स्कॉलरशिप स्कीम जो है वो लॉन्च करी है गर्ल्स के लिए, जिसमें मतलब जो बच्चियां हैं लड़कियां हैं वो 11th क्लास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक इनको फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है वो प्रोवाइड की जाएगी इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर, जिसमें पहली जो इंस्टॉलमेंट रहेगी वो 1000 रहेगी हायर सेकेंडरी के लिए. उसके बाद जो डिग्री कर रहे हैं मतलब ग्रेजुएशन में उनको 1250 और जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनको 2500 के करीब जो है वो बच्चों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इस पर्टिकुलर स्टेट वाइड प्रोग्राम के अंदर. अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विद हु वॉन हिज सेकेंड गोल्ड एट ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024. तो कहने मतलब ये कि कौन से ऐसे पर्सन है जिन्होंने सेकेंड गोल्ड मेडल जीता है शूटिंग में जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 में. तो इसका जो आंसर है दैट इज दिव्यांशी. ठीक है, तो इंडियन शूटर दिव्यांशी ने अपना सेकेंड इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जो है वो शूटिंग में जीता है जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 में, जो कहाँ पे हेल्ड थी, पेरिस में. अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है बताइए हु लॉन्च द लोगो वेबसाइट एंड ऐप फॉर द अपकमिंग महाकुंभ मेला 2025. तो 2025 में होने वाले महाकुंभ मेले का लोगो वेबसाइट ऐप जो है वो किन्होंने इनॉग्रेट करा है. तो इसका जो आंसर है दैट इज योगी आदित्यनाथ. तो यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने लॉन्च करी है लोगो वेबसाइट और ऐप 2025 में होने वाले महाकुंभ के लिए. ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय द BCCI एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ एंटी करप्शन यूनिट. तो एंटी करप्शन यूनिट के लिए न्यू चेयरमैन जो है वो कौन अपॉइंट हुए हैं BCCI द्वारा. तो इसका जो आंसर है दैट इज शरद कुमार. क्या आंसर है? शरद कुमार. और ये पहले बेसिकली NIA के हेड रह चुके हैं, चीफ रह चुके हैं. अब इनको अपॉइंट किया गया है एज अ चेयरमैन ऑफ एंटी करप्शन यूनिट. ठीक है, इन BCCI. उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है बताइए व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन नेवी सेलिंग वेसल्स जो यूज की जाएगी किसमें, नाविका सागर परिक्रमा एक्सपेडिशंस में. तो बताइए क्या नाम है भाई इस इंडियन नेवी सेलिंग वेसल का, जिसका जो आंसर है दैट इज INS तारनी. ठीक है, INS तारनी. उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है बताइए 500 मीटर का एक अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप है. ठीक है, जिसे न्यूज में देखने को मिला. क्वेश्चन में ये पूछा गया बताइए कौन सी कंट्री में लोकेटेड है. तो इसका जो आंसर है दैट इज चाइना. कहां पे है? चाइना में है. अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए रिसेंटली वेयर वाज इंडिया फर्स्ट सुपर कैपेसिटर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इनॉग्रेटेड. तो इंडिया में फर्स्ट सुपर कैपेसिटर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है वो कहाँ पे इनॉग्रेट हुई है. तो इसका जो आंसर है दैट इज कन्नूर, एक जगह है कहाँ पे, केरला में. ठीक है, और मतलब केरला के जो CM है
उन्होंने इसका इनॉग्रेशन करा और ये इंडिया का पहला सुपर कैपेसिटर मैन्युफैक्चर फैसिलिटी है जो कन्नूर केरला में स्टार्ट होने वाली है। और ये जो प्लांट है ये डेवलप किया गया है किसके साथ, इसरो के कोलैबोरेशन के साथ। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए व्हाट इज द टारगेट प्रोडक्शन ऑफ क्रूड पाम ऑयल अंडर नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल ऑयल पाम बाय 2025-26 में, 2025-26 के अंदर कितनी प्रोडक्शन का टारगेट जो है वो रखा है क्रूड ऑयल का नेशनल मिशन द्वारा ऑन बाय द नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल। तो इसका जो आंसर है दैट इज 11.20 लाख टन का, कितना 11.20 लाख टन का। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने इनॉग्रेट करा है बंजारा विरासत म्यूजियम कौन सी स्टेट में, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। क्लियर है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।